बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ आतिफ अफजल और मैं विधि पोर्ट डॉट कॉम की जानब से आप दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप दोस्त जो है वो खुश होंगे और इन्जॉय करते होंगे अपनी लाइफ में। तो जैसा कि आप तमाम यूज़र जानते हैं कि हमारा विधि पोर्ट का वीडियो कोर्स जो है वो जारी है और आज इसकी 9वीं क्लास है और कोर्स आउटलाइन को सामने रखते हुए आज देखते हैं कि आज की क्लास में हम किस टॉपिक पर बात करेंगे। तो यूज़र, आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है जी चैनल एनालिटिक्स, कि हम चैनल के स्टैट्स किस तरह देख सकते हैं। लाइक कि हम चैनल पर हमें जो यूज़र है वो किस कंट्री से आ रहा है और उसके बाद हमारे चैनल पर जो किस वीडियो पर कितने व्यू आए हैं और किस कंट्री से आए हैं, कितने मिनट वो प्ले हुई है और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चैनल एनालिटिक्स में जो है वो हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो यूज़र, सबसे पहले कि चैनल के एनालिटिक्स को हम देखते क्यों हैं, तो उसके लिए ये कि भी आप जब भी कोई काम करते हैं अगर आप उसको एनालाइज नहीं करेंगे तो आप उसमें जो है वो आगे नहीं बढ़ सकते। तो आपको अपनी वीडियोस को देखना होगा कि हमारी वीडियोस किन वीडियोस पर व्यूज़ आ रहे हैं, किन वीडियोस पर व्यूज़ नहीं आ रहे, ताकि आप जिन वीडियोस पर व्यूज़ आ रहे हैं उन टॉपिक्स को जो है वो आप आगे जो है उन टॉपिक पर आप ज़्यादा काम करें और जिन पर व्यूज़ नहीं आ रहे उनको सोशल मीडिया पर शेयर करके व्यू लाने की कोशिश करें। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अगर आप चैनल को एनालाइज करेंगे तब ही आप जो हैं वो आगे बढ़ सकते हैं। वैसे भी अगर आप देखा जाए तो आप अपने पिछले मंथ के स्टैट को देखें और उससे पिछले मंथ के स्टैट को देखें तो आपको मोटिवेशन मिलती है, पिछले मंथ में मैंने कितना काम किया, अगर आपने थोड़ा किया तो आप अगले मंथ में उसको जो है वो बेहतर करें और अगर आपने इस मंथ में थोड़ा किया है तो आप नेक्स्ट मंथ में उसको कवर करें। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आप जो है इन चीज़ों को आपको मद्देनज़र रखना होता है अपने काम में। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि भी वीडियो चैनल आपका एक प्रोफेशनल काम है, ऐसा नहीं है कि भी आप ये पार्ट टाइम काम करते हैं। खैर, हम चलते हैं आज के टॉपिक की जानब। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एक वीडियो चैनल जो है एक डेली मोशन का एक सिंपल अकाउंट ओपन करता हूँ कोई भी, और यहाँ पर मैंने एक डेमो अकाउंट ओपन किया हुआ है और यहाँ पर हम अगर स्टैट देखना चाहें किसी के चैनल पर भी, तो अगर हम यहाँ पर लोगों पे अपना माउस लेके जाएं तो यहाँ पर हमें एक एनालिटिक्स की ऑप्शन नज़र आती है। तो इस एनालिटिक्स पर आप क्लिक करें तो यहाँ पर आपको जो है वो सारा जो है वो एनालिटिक्स यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। खैर, मैं यहाँ से इसको जो है वो हाइड करना चाहता हूँ, इस स्क्रोल बार को, साइड बार को, सॉरी। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखें ओवरव्यू पर हम इस वक्त हैं और ओवरव्यू में हमें क्या नज़र आ रहा है, सबसे पहले हमारे अब तक के इस चैनल पर जितने व्यूज़ आ चुके हैं वो यहाँ पर आपको दिखाए जा रहे हैं, उसके बाद कितने मिनट आप इस जो है आपकी वीडियोस को देखा गया है वो यहाँ पर आपको दिखाया गया है, उसके बाद कितने फॉलोअर्स आपको यहाँ पर आए हैं और उसके बाद आपकी वीडियोज़ को कितने लाइक्स मिले हैं। तो यहाँ पर आपको टोटल स्टैट जो है ओवरव्यू में यहाँ पर दिखाया जा रहा है। परफॉर्मेंस ओवर टाइम में अगर आप आएँ तो यहाँ पर आपके पास ये एक कैलेंडर मौजूद है कि आप किस मंथ से किस डेट से लेकर किस डेट तक का जो है वो आप यहाँ पर ग्राफ देखना चाह रहे हैं। लाइक मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि मैं देखना चाह रहा हूँ फरवरी से लेकर, आज अप्रैल है तो मैं यहाँ तक इसको देखना चाह रहा हूँ फर्स्ट अप्रैल तक जो है मैं इसको देखना चाह रहा हूँ। तो अगर हमने यहाँ पर देखूँ तो मुझे यहाँ से मुकम्मल स्टैट जो है यहाँ पर नजर आ गया। अगर मैं यहाँ पर इसको देखना चाहूँ वीकली वाइज तो मैं यहाँ पर वीक पर क्लिक करता हूँ तो वीकली जो है वो यहाँ पर लोडिंग आ जाएगी कि एक मंथ जो है वीक के हिसाब से। मंथली वाइज यहाँ पर देखना चाहूँ, डेट वाइज देखना चाहूँ तो वही हमें यहाँ पर मुकम्मल जो है वो एक चीज यहाँ पर दिखाई जाती है। उसके बाद अगर हम स्क्रोल डाउन करें तो यहाँ पर हमारे पास वीडियो ब्रेक डाउन है कि भी आपकी किस वीडियो के ऊपर सबसे ज्यादा व्यूज आ रहे हैं और किस वीडियो पर आपको व्यूज जो है वो कम आ रहे हैं। यहाँ पर आपको दिखाया गया कि भी इस वीडियो पर आपके सबसे ज्यादा व्यूज आए हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें कंट्री ब्रेकडाउन में आपको यहाँ पे दिखाया जाता है कि किस कंट्री में आपकी वीडियो सबसे ज्यादा देखी गई है, और उसके बाद जैसे कि यहाँ पर लोकल वीडियोज जो है वो लगाई जाती है। ये चैनल पर काम नहीं करता लेकिन फिर भी मैं आपको सिंपल यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर आपको जो है पाकिस्तान में सबसे ज्यादा व्यू मिले हैं इंडिया में और उसके बाद यूनाइटेड स्टेट में। इसी तरह यहाँ से आप जो है एक चीज़ को नोट कर सकते हैं कि आपको किस कंट्री से व्यू ज्यादा है और आप उस कंट्री को भी टारगेट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो ऑडियंस के बारे में यहाँ पर आपको दिखाया गया है और यहाँ पर आपको किस डोमेन से सबसे ज्यादा जो है डेली मोशन की जो है वो व्यूज मिले हैं वो यहाँ पर आपको दिखाया गया। यहाँ से ट्रैफिक रिसोर्स आपको दिखाए जाते हैं, सोर्स किस ट्रैफिक आपको कहाँ से आ रही है, गूगल से आ रही है,
फेसबुक से आ रही है या आपको जो है वो मोबाइल से आ रही है, ये आपको सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई जाती हैं। डिवाइसेस, किन डिवाइसेस के ऊपर जो है वो आपको व्यूज़ ज़्यादा मिल रहे हैं और किन डिवाइसेस के ऊपर व्यूज़ आपको कम मिल रहा है, जैसे कि आप डेस्कटॉप पर विंडोज़ में कितना आ रहा है, मोबाइल में आपको कितना यूज़र आ रहा है, फिर उसके बाद मैकिंटोस में आपको कितना यूज़ आ रहा है। खैर ये तमाम चीज़ें जो है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर मुकम्मल जो है वो ऑडियंस का यहाँ पर आपको एक मैप दिया गया है, इस पर भी आप देख सकते हैं किस कंट्री में आपको व्यूज़ आ रहे हैं और किस कंट्री में आपको व्यूज़ नहीं आ रहे। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर वीडियोज़ पे हम क्लिक करते हैं, ओवरव्यू में हमने देख लिया। वीडियोज़ में अगर हम क्लिक करते हैं तो हम किसी भी अपनी एक वीडियो का स्टैट देखना चाहें तो इस पैलेट में हम आके बहुत ईजीली देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो रिसेंटली जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई गई है, वो यहाँ पर दिखाया गया कि भाई इस वीडियो को अब तक 34 व्यू मिले हैं और 19 मिनट जो है वो ये प्ले हो चुकी है। और इसका जो है वो ग्राफ यहाँ पर दिखाया गया है, किस डेट पर आपको इतने व्यू मिले, 22 व्यू मिले, उसके बाद फिर हमें 9 व्यू मिले, ये इसी तरह ग्राफ यहाँ पर आपको दिखाया जाता है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि अभी इस चैनल पर काम नहीं करता, इस वजह से यहाँ पर इतने ज़्यादा व्यूज़ वगैरह जो है वो डिस्प्ले नहीं हो रहे। उसके बाद वही सेम चीज़ें जो हमने पीछे देखी, सिर्फ इस वीडियो के बारे में यहाँ पर दिखाया जा रहा है। अगर ओवरव्यू में आपको पूरे चैनल के बारे में बताया जाता है, वीडियोस में आपको सिर्फ इस वीडियो के बारे में ये सारा बताया जा रहा है कि यहाँ से किसको कहाँ से कितने व्यूज आए हैं और क्या क्या यहाँ पर आया गया। और अगर आप यहाँ से कोई भी अपनी चैनल पर वीडियो को सर्च करना चाहे तो वो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं, आपको सिर्फ उसका टाइटल नेम मालूम होना चाहिए। तो मिसाल के तौर पर मैं ये वाली जो मेरी वीडियो है इसको मैं क्लिक करता हूँ और मैं देखना चाहता हूँ कि इसके स्टैट्स क्या है मेरे पास। तो अगर मैं इसको देखूं तो इसके स्टैट जो है वो 3 व्यू मिले हैं और 6 मिनट तक ये वीडियो जो है वो वॉच की गई है। और इसके जो मुकम्मल स्टैट्स हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। और इसको आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जब आप किसी रेगुलर चैनल पर काम डेली बेसिस पे कर रहे होते हैं और आपको वहाँ पर व्यूज़ बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं और आप देखना चाहेंगे पिछले मंथ में कितने व्यूज़ आए इस वीडियो को और इस मंथ में कितने व्यूज़ आए, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आप इस वीडियोज़ के पैलेट पर आकर बहुत आसानी से आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद वीडियो मोनेटाइजेशन पर क्लिक करता हूं तो वीडियो मोनेटाइजेशन में आपको ये ऑप्शन मिलती है कि आपको यहां पर डे बाय डे की अर्निंग आपको यहां पर नज़र आती है कि मिसाल के तौर पर मार्च 2017 को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है और यहां से मार्च की जो मुकम्मल डिटेल है वो यहां पर आपको दिखाई जा रही है कि आप 1 मार्च को आपने कितना इंप्रेशन लिया, कितने आपको जो है वो CPM मिला और कितनी आपकी अर्निंग हुई। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखूँ मैं तो ये यहाँ पर आपको 3 जो है वो इम्प्रेशन मिले और CPM हमें मिला, यहाँ पर अगर हम देखें 3.45 और हमारी अर्निंग ये हुई। खैर ये चीज़ जो है वो आप देख सकते हैं मार्च में आकर, फरवरी में आकर आप मुकम्मल एनालिटिक्स जो है वो डेली मोशन पे आप जो है वो चेक कर सकते हैं। उसके बाद पेड कंटेंट, अगर आप पेड कंटेंट पे काम कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि आपकी कितनी सेल हो चुकी है, कितनी पेमेंट जो है वो आपको रिसीव हो चुकी है, कस्टमर की इन्फॉर्मेशन, रेवेन्यू कितना जनरेट हो चुका है, वो तमाम चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाई जाती हैं। क्योंकि इस चैनल में कोई भी ऐसा पेड कंटेंट जो है मैं यूज़ नहीं कर रहा, जिस वजह से यहाँ पर कोई भी ऐसे स्टेट्स नज़र नहीं आ रहे। तो वेबसाइट मोनेटाइजेशन, तो वेबसाइट मोनेटाइजेशन में भी आपको यहाँ पर दिखाया जाता है कि भी आप किस डेट पर कितना आपने जो है वो अर्न किया और कितना आपको इंप्रेशन और CPM वगैरह मिला। अगर आप यहाँ से मंथ चेंज करना चाहें वो भी आप चेंज करके भी उसके पिछले मंथ के भी स्टेट्स वगैरह देख सकते हैं। और यहाँ पे एक्सपोर्ट, तो यहाँ पर अपनी तमाम चीज़ों को जो है वो अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहें, सेव करना चाहें अपने पास, ताकि आपको अगर आप ऑनलाइन नहीं भी हैं तब भी आप जो है वो एनालाइज करना चाह रहे हैं अपने चैनल्स को, तो ये आपको CSV फाइल आपको देगी जो कि एक्सेल में बहुत इजीली ओपन हो जाती है। तो वो अगर आप दिखाना चाहें तो आप यहाँ से दिखा सकते हैं। अगर यहाँ पर अगर आप SEO का काम कर रहे हैं तो किसी के चैनल को आप प्रमोट कर रहे हैं तो उसको भी आप यहां से जो है वो दे सकते हैं कि भी मैंने इस मंथ में इतना काम किया है, तो वो आपको जो उनकी है जो रेवेन्यू जो जनरेट हुआ है, जो तमाम स्टेट्स वगैरह उनको मेल कर सकते हैं, तो ये चीज़ यहां से आप कर सकते हैं। खैर ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैसे कि मैं वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया कि किसी भी काम को जब आप करते हैं तो उसके स्टेट देखना बहुत ज़रूरी होते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई धड़ाधड़ वीडियो ही लगाई जा रहे हैं और उनको देख भी नहीं रहे क्या अर्निंग हो रही है क्या नहीं हो रही, और वीडियो ही लगाई जा रहे हैं बस। मोस्टली यूजर्स को मैंने देखा है वो यही काम करते हैं, बस वीडियोज ही लगाते रहते हैं और ये नहीं चेक कर रहे कि हमें व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे, क्या वजह है जिस वजह से हमें व्यूज़ नहीं आ रहे और हम किस तरह हम अपने चैनल को जो है वो एक ब्रांड बनाएं। आपको मैंने बहुत बार कहा है कि भाई चैनल्स को ब्रांड बनाएं, किसी की वीडियोज़ को लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। बार बार
कॉपीराइट वगैरह आता रहता है। खैर डेली मोशन में तो इतना ज्यादा नहीं है, यूट्यूब पर बहुत ज्यादा कॉपीराइट आता है। तो खैर ये चीज है, आप अच्छा अर्न कर सकते हैं डेली मोशन से भी अगर आप इसको प्रॉपरली तौर पर काम करें तो। आई होप कि आपको आज के टॉपिक के बारे में कम्प्लीटली जो है वो समझ आ गई होगी कि इसका क्या फायदा है और इसको हम किस तरह यूज कर सकते हैं। तो उसके बाद अगर हम देखें तो इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट वीडियो जो है वो वीडियो रिपोस्ट के बारे में है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी क्लास, तो इस क्लास को मिस ना कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।